हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सिस डायरेक्ट का एक फुल रिव्यू। और अगर बात करें, इस साल का जो है एंड आ गया है, और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एक्सिस डायरेक्ट को इस बार, तो आपको पता होना चाहिए एक्सिस डायरेक्ट के कुछ चार्जेज जो है उसमें अपडेट आया है। इसके अलावा उनके कुछ सर्विसेज में भी अपडेट आए हैं, तो इन सब पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आपको फ़ायदे नुकसान बताएंगे। इसके अलावा जो चार्जेस होते हैं वो बताएंगे, अपडेटेड चार्जेस होते हैं वो बताएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या ब्रोकर चार्जेस देने पड़ते हैं, हिडन चार्जेस देने पड़ते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे हैं, लास्ट में आपको कंक्लूजन भी देंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले एक्सिस डायरेक्ट के बारे में, मेक श्योर कि आप वीडियो का एंड तक देखते जाइए। तो जैसा कि आपको पता होगा, एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस बैंक की एक सब्सिडियरी है और ये ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको तीन अलग तरह के प्लान जो है वो मिल जाते हैं। एक है फिक्स प्लान, दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान, और तीसरा है नाउ और नेवर प्लान। तो इन तीनों ही प्लान्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फिक्स प्लान के बारे में बता देते हैं। अगर आप फिक्स प्लान के साथ जाते हैं तो आपको अकाउंट खोलने के लिए 499 चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस के लिए आपको ₹790 हर साल देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रोकर चार्जेस कैसे मिल जाते हैं, तो आप अगर फिक्स प्लान का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रोकर चार्जेस किस तरीके से देने पड़ेंगे। इक्विटी डिलीवरी में आपको देना पड़ेगा 0.5% चार्ज। इक्विटी इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 0.05%। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर्स में भी सेम है, 0.05%। इक्विटी ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो आपको हर एक लॉट पे देना होगा ₹25। इसके अलावा करेंसी फ्यूचर्स में आपको ब्रोकर चार्ज देना होगा जो लगेगा आपको 0.03%। करेंसी ऑप्शंस के लिए फिर आपको लगेगा ₹25। कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए 0.03%, और कमोडिटी ऑप्शंस के लिए आपको देना होगा ₹25। तो ये जो है ब्रोकर चार्ज और अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा फिक्स प्लान में। इसके अलावा जो दो चार्जेस है उन पे देख लेते हैं। दूसरा प्लान है इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान। यहाँ पर आपको अकाउंट खोलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना होता है जो कि ₹790 लगता है हर एक साल पे। और आपको बता दें, इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान में जो आपको फिक्स चार्ज देना होता है वो होता है ₹1500। आप ₹1500 लेकर आप अपना जो ये अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। और इस अकाउंट में आपको क्या क्या फ़ायदे मिल जाएंगे। इक्विटी डिलीवरी में आपको देना पड़ेगा 0.5% ब्रोकर चार्ज। इक्विटी इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर लगेगा 0.05%। इक्विटी फ्यूचर्स में भी सेम है, आपको 0.05% चार्ज देना होगा। इक्विटी ऑप्शंस में हर एक लॉट पे ₹25 देना होगा। करेंसी फ्यूचर्स में आपको देना होगा 0.03%। करेंसी ऑप्शंस में ₹25। कमोडिटी फ्यूचर्स में 0.03%, और कमोडिटी ऑप्शंस में देना होगा ₹25। तो ये ब्रोकर चार्ज आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान में। इसके अलावा अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आपको कॉल एंड ट्रेड के लिए अलग से ₹20 चार्ज जो है वो देना पड़ेगा हर एक कॉल पे। अब तीसरा जो प्लान है वो है नाउ और नेवर प्लान। यहाँ पर अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, फ्री में आपका अकाउंट खुल जाता है। यहाँ पर भी सेम आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना होता है जो कि ₹790 लगता है हर एक साल पे। अब इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा, वो होता है ₹5555। तो ये चार्ज अगर आप देंगे तो आपको ये अकाउंट खुल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली आपको ब्रोकर चार्जेस कम देना पड़ेगा, और ये कितना कम रहता है वो आपको बता देते हैं। अगर आप इस प्लान के साथ जाते हैं और अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकर चार्ज देना होगा 0.25%। इक्विटी इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 0.03% चार्ज देना होगा। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें 0.03%, और इक्विटी ऑप्शंस में आपको हर एक लॉट पर सिर्फ ₹10 देना पड़ेगा। करेंसी फ्यूचर्स की बात करें 0.03%, इसके अलावा करेंसी ऑप्शंस में ₹10 चार्ज देना होगा। कमोडिटी फ्यूचर्स में 0.03%, और कमोडिटी ऑप्शंस में ₹10 चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। तो ये ब्रोकर चार्ज जो है आपको देना पड़ेगा अगर आप नाउ और नेवर प्लान के साथ जाते हैं। तो ये तीन अलग तरह के प्लान है जो एक्सिस डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आता है, और यहाँ पर आपको तीनों में अलग अलग तरह के ब्रोकर चार्जेस और अकाउंट के चार्जेस जो है देने पड़ते हैं। एक्सिस डायरेक्ट में आपको मार्जिन का क्या फैसिलिटी मिल जाती है, आपको हर एक सेगमेंट में, चाहे वो इक्विटी डिलीवरी हो, इक्विटी इंट्राडे हो, इक्विटी फ्यूचर्स हो, हर एक सेगमेंट में आपको 4 times तक मार्जिन या फिर एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है जो आपको एक्सिस डायरेक्ट में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सिस डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा आप IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बॉन्ड्स एंड डेब्ट मिल जाते हैं, ट्रेडेड फंड्स एक्सचेंज मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ जो एक्सिस डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। एक्सिस डायरेक्ट को इस्तेमाल करने पर आपको और कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 3-in-1 अकाउंट मिल जाता है। ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में आपको बताया, ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पे फ्री मिलते हैं।
इसके अलावा आपको रिसर्च रिपोर्ट्स भी फ्री में मिल जाते हैं, SMS अलर्ट्स मिल जाते हैं, मार्जिन फंडिंग मिल जाती है आपको काफ़ी जगह से। इसके अलावा आपको शेयर के बदले भी मार्जिन मिल जाती है। तो ये कुछ अलग से जो फीचर्स हैं वो आपको एक्सीडेंट प्रोवाइड करता है एज अ कस्टमर। इसके बाद अब और कुछ और चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको GST देना पड़ेगा 18%, जो लगता है आपके ब्रोकर चार्ज प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस सेवी फी, इन तीनों को मिलाकर जो इनका 18% होता है वो आपको GST देना होगा। इसके अलावा आपको अकाउंट रीएक्टिवेशन चार्ज अगर आप करते हैं तो आपको उसका ₹20 हर एक इंस्ट्रक्शन पे देना होगा। अकाउंट क्लोज करने का आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। डीमटेरियलाइजेशन चार्ज देना आपको, जो कि हर सर्टिफिकेट ₹5 होता है और हर एक रिक्वेस्ट पे ₹5 लगता है। इनमें से जो मैक्सिमम होगा जिस टाइम पे वो आपको देना होगा। इसके अलावा मार्जिन प्लेज अनप्लेज या प्लेज क्लोज करने के लिए आपको ₹15.5 हर एक स्क्रिप्ट पे देना होगा। मार्जिन रीप्लेज करने के लिए आपको देना होगा ₹27 हर एक स्क्रिप्ट पे। तो ये अदर चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे अगर आप एक्सिस डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। एक्सिस डायरेक्ट में आपको तीन तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। सबसे पहला तो आपको मिल जाता है एक्सिस डायरेक्ट ट्रेड, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा आपको एक्सिस डायरेक्ट एक वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है एक्सिस डायरेक्ट स्विफ्ट ट्रेड, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनके लिए आपको प्ले स्टोर पर एक मोबाइल ऐप मिल जाएगा एक्सिस डायरेक्ट के नाम से, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सर्विसेज काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जो इनका ऐप है उसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। वेल पहले एक्सिस डायरेक्ट की एक पुरानी ऐप आती थी, अब इन्होंने एक नई ऐप लाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सर्विसेज वगैरह के मामले में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मोबाइल यूज़र हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, हर एक चीज़ पे बात कर लिया है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। बात कर लेते हैं अगर आप एक्सिस डायरेक्ट के साथ जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे और नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर आपको 3-in-1 अकाउंट मिल जाता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसके अलावा आपको फ्री में क्वालिटी रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर्स भी मिल जाते हैं, जो आपके हर एक क्वेरीज को सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा बात करें अगर आप एक बिगिनर हैं तो एक्सिस डायरेक्ट फ्री सेमिनार या फिर ट्यूटोरियल या वेबिनार इस तरह की चीज़ें लाते रहता है, तो आप उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये तो पता है एक्सिस डायरेक्ट जो है एक्सिस बैंक की ही एक सब्सिडरी है, तो यहाँ पर आपको जो ब्रांड इक्विटी का फ़ायदा जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। नुकसान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नुकसान तो यही कि अगर आप इसके ब्रोकर चार्जेज या फिर अकाउंट ओपनिंग चार्ज या फिर मेंटेनेंस चार्ज को अगर कंपेयर करें बाकी अदर ब्रोकर से तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो आपके लिए काफ़ी जो इसका चार्जेस हैं तो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि जो इनका टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ फ़ायदे और नुकसान जो एक्सिस डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को लेकर आता है। उम्मीद आता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ पर कंक्लूजन के लिए बोले तो चार्जेस जो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, तो आप एक्सिस डायरेक्ट के लिए जा सकते हैं। वेल यही था इस वीडियो में, उम्मीद आपको हर चीज़ समझ में आई होंगी। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।